नमस्कार, आप देख रहे हैं मंडे लाइव। और आज बाजार की शुरुआत जो है ज्यादातर कॉमोडिटीज लाल निशान में खुली, क्योंकि फेड की पॉलिसी बैठक से पहले कहीं ना कहीं कॉशियस है ट्रेडर्स। लेकिन इस शो में आपको बताएंगे कौन सी कॉमोडिटीज जो अभी भी आपको मुनाफा दे सकते हैं और जहां पर आप अप्रोच पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रख सकते हैं। पहले फटाफट से अपडेट देख लें आज कॉमोडिटी मार्केट का क्या हाल है। इनफैक्ट गोल्ड आज 287 पॉइंट्स की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। 1% की गिरावट हो चुकी है, अब 28,900 के स्तर देखने को मिल रहे हैं। और सिल्वर में भी 1% की गिरावट है, 400 रुपए की गिरावट 37,000 के लेवल्स को टेस्ट कर रहे हैं। तो जोरदार बिकवाली जो है वो प्रेशियस मेटल्स पे देखने को मिल रही है। क्रूड लगातार 2 ट्रेडिंग सेशंस हो गए, ऊपरी स्तर पर दबाव है। आज उतनी अग्रेसिव सेलिंग नहीं जितनी कल देखने को मिली थी, लेकिन अभी भी 0.5% के आसपास की गिरावट शो हो रही है। और नेचुरल गैस कमजोर खुला था, निचले से थोड़ी रिकवरी जरूर है, लेकिन लाल निशान में 122.5 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। कुछ और कॉमोडिटीज जहां पर आज ट्रेडर्स का फोकस इसमें बन रहा है, और उसमें बेस मेटल्स बिल्कुल आज एक मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे हैं। कुछ बेस मेटल जैसे कि जिंक हल्की खरीदारी, लेड में हल्की खरीदारी, 30 पैसे के आसपास के गेंस, 123.45 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। अन्य बेस मेटल्स जो हैं जैसे कि कॉपर, उतनी ज़्यादा तेजी उतनी एग्रेसिव मोड पे आज ट्रेडर्स इन पर्टिकुलर कॉमोडिटीज पे नहीं नजर आ रहे हैं। आज के सत्र में कॉपर लगभग 1 रुपये के आसपास की गिरावट, और निकल में भी अब 0.6% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। तो काफ़ी मिक्स संकेत हैं, कोई ऐसी कॉमोडिटी अभी तक तो नजर नहीं है जहां पर कोई एग्रेसिव ट्रेडर्स बेट लगा रहे हैं। ग्वार सीड पर मुनाफा वसूली 0.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, और ग्वारगम में भी तेजी के बाद, कल की तेजी के बाद आज 0.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में कौन सी कॉमोडिटीज होनी चाहिए जहां पर आप फोकस करें, अच्छी कमाई के चांसेस बढ़ जाएंगे। बंपर कॉल में देखते हैं जो पहली कॉमोडिटी जिस पे दाव लगाने की सलाह दी गई है वो है सरसों। कोटक कॉमोडिटी का मानना है कि आप सरसों खरीदें 3930 के जोन पे, 3880 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और 4000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बाय एंड डिप्स इस कॉमोडिटी में करें। और जो दूसरी कॉमोडिटी है वो है सोना। बेचने के लिए सलाह ये एसएमसी कॉम ट्रेड की 29100 के लेवल्स पे, 29200 के स्टॉप लॉस के साथ 28800 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। यानी कोई बाउंस मिलता है तो आप ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली और या फिर बिकवाली कर सकते हैं। और साथ साथ क्रूड बेचने की सलाह एसएमसी कॉम ट्रेड की 2500 के जोन के आसपास, 2570 का एक स्टॉप लॉस लगा के 2410 तक के टारगेट्स। तो सोना और साथ साथ क्रूड एसएमसी कॉम ट्रेड की यहाँ पर बेचने की सलाह आई है। लेकिन गोल्ड जिसमें मैं बार बार यहाँ पर बात कर रहा हूँ, और आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, फिलहाल 28908 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। बाजार के दो खास जानकार मेरे साथ मौजूद हैं, रवि सिंह जी और साथ ही साथ अरविंद प्रसाद मेरे साथ मौजूद हैं कॉमोडिटी मार्केट पर आउटलुक बताने के लिए, और साथ ही साथ आपको आउटलुक देने के लिए सुरेंद्र मेहता जी मेरे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी आईबीजेए के। आपका भी बहुत स्वागत है जी उसमें। लेकिन मैं गोल्ड पे बात कर रहा हूँ तो एक अपडेट यहाँ पर दर्शकों को दे दूँ जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी, और ये एक्साइज ड्यूटी का मामला है जिसपे लगातार एक लंबे हड़ताल के बाद, और ये एक्सटेंडेड हड़ताल है जो और खिंचती हुई नजर आई है। लेकिन ज्वेलर्स को एक्साइज ड्यूटी पर राहत नहीं दी गई है, एफएम ने ये फाइनली कह दिया। सरकार ने हालांकि भरोसा यहाँ पर दिया है कि अनावश्यक परेशान नहीं किए जाएंगे ज्वेलर्स, और उनकी कुछ मांगे जरूर मान ली गई हैं। मेरे साथ इस समय सुरेंद्र मेहता जी मौजूद हैं। मेहता साहब बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस। आपसे यही बात हो रही थी कि एक्साइज ड्यूटी रोल बैक की बात तो सरकार ने अब बिल्कुल नाकार दी है, और ऑफिशियली 1% एक्साइज ड्यूटी अब रहेगी यहाँ पर ज्वेलर्स पे। लेकिन ऐसी कौन सी मांगे हैं जो ज्वेलर्स की मांग ली है सरकार ने, आप ये बताएं। सरकार ने ये जरूर एक्सेप्ट कर लिया है कि कोई किसी भी प्रकार का इंस्पेक्टर राज नहीं रहेगा और ज्वेलर को हरेस नहीं किया जाएगा, और सरकार ने सेल्फ डिक्लेरेशन की भी बात की है। लेकिन उसके बावजूद भी जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की ये मांग है कि पूरा का पूरा एक्साइज को रोल बैक करना चाहिए सरकार को, और इस संदर्भ में जेम एंड ज्वेलरी वालों की हड़ताल जारी रहने वाली है। अच्छा, यही मेरा दूसरा सवाल था जो कि हड़ताल अभी और एक्सटेंड होगी, और 17 मार्च जो कि दिन तय हुआ है दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली का, उस पर आप अभी भी कायम हैं, और यहाँ पर ये अभी आप मानते हैं कि रैली होगी? बिल्कुल रैली होगी, और ऑल ओवर इंडिया से वहाँ पे लोग जुड़ेंगे। और आपको ये मैं बता दूं कि इसमें अब डायमंड वाले भी जुड़ गए हैं, 17 तारीख को वो भी एक सांकेतिक हड़ताल करेंगे और वो भी उस रैली में शामिल होंगे। यहाँ पर एक बात बहुत बताना आवश्यक है कि पहले भी गोल्ड वालों को के ऊपर एक गोल्ड कंट्रोल एक्ट लागू हुआ था 1980-90 के दरमियान, तो उसका जो भय है वो इतना ज्यादा है, इसीलिए ये इंडस्ट्री मांग करती है कि भाई एक्साइज को रोल बैक किया जाए। ऐसी सरकार को कौन सी जल्दी थी कि अगर जीएसटी 6 महीने में या 12 महीने में आने वाला है तो जीएसटी में जाने के लिए तो हम सभी तैयार हैं। ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जिसके ऊपर जीएसटी
लगने वाला है और एक्साइज नहीं है, फिर सोने के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया गया? राइट, लेकिन ये जो इतना भारी भरकम नुकसान हो गया है, देखिए छोटे मझौले व्यापारियों पे भी काफी असर पड़ रहा है। अगर ग्राहकों को यहाँ पर दिक्कत फेस करने को मिल रही है तो छोटे ज्वेलर्स पे भी फेस करने को मिल रही है, उस पे क्या कहेंगे सर? क्योंकि ये हड़ताल का कहीं ना कहीं जो खामियाजा है वो इंडस्ट्री को उठाना पड़ रहा है, खासतौर से छोटे व्यापारियों को। सर आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि जैसे पूना में रैली हुई तो वहां पे 2 लाख आदमी इकट्ठे हुए, तो वहां पे हर छोटे से गांव में हर छोटे से खेड़े से लोग आ रहे हैं, तो वो छोटे व्यापारी हैं, उन छोटे व्यापारी को ही इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। इस एक्साइज राज का असर उन्हीं लोगों पे पड़ेगा, इसीलिए वो भी उसका समर्थन दे रहे हैं। उन्हें आज तो थोड़ी तकलीफ वो सहन करने को तैयार है, लेकिन आगे जाके जो एक्साइज राज में उनको तकलीफ आएगी वो नहीं चाहते। 17 मार्च को दिल्ली में रैली होगी, उसमें बड़ी संख्या में लोग आएंगे और वहां पे भी बड़े व्यापारी, मझले व्यापारी और छोटे व्यापारी सभी आएंगे, क्योंकि एक्साइज का जो भय है लोगों को गोल्ड कंट्रोल के भय से उसको जोड़ कर देख रहे हैं। सर फाइनेंस मिनिस्टर ने तो अब ऑफिशियल तौर पे कह दिया कि 1% एक्साइज ड्यूटी रोल बैक नहीं होगी और आपकी लड़ाई जारी है, क्या मानते हैं आप? क्या अभी भी वित्त मंत्रालय से लगातार संपर्क में है? कोई बैठक होने वाली है क्या इमीडिएट एक्शन के लिए? बिल्कुल, हम लोग अभी भी वित्त मंत्रालय से संपर्क में हैं। 17 मार्च को रैली के बाद में भी हम वित्त मंत्री से कहेंगे कि इसके बारे में पुनः समीक्षा की जाए और हम लोग इसके बारे में लगातार मीटिंगें कर रहे हैं ताकि हमारे जो छोटे भाई बंधु हैं, छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे कारीगर हैं, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। राइट, बहुत शुक्रिया सर सुरेंद्र जी आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट देने के लिए, शुक्रिया।